हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बनाएंगे ये डिजाइन। इस डिजाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं, जैसे कुशन कवर, बेडशीट या टेबल का कवर। डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की कटिंग कर ली है। सारे पीसेस सेम साइज के हैं, ये 6 पीस हैं, तो मेजरमेंट में है 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच है। 3x3 इंच के 6 पीसेस है। ये 3 पीस है, ये भी 3x। इन सभी पीसीस को सेट करके रखना है। तो सबसे पहले हमें ये पीस लगाना है, इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद वाइट पीस इस तरह से लगेंगे। 9 पीस है, इनको इस तरह से सेट कर लेना है। ये इस तरह से ये सेंटर में रखा है पीस, और साइडों में 2 व्हाइट कलर के लगा दिए हैं। ग्रीन यहाँ पर आया है, 2 यहाँ पर लगा दिए हैं व्हाइट कलर के, और ये ग्रीन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर व्हाइट कलर के। ऐसे सेट कर लेंगे। जिस तरह पीसेस रखे उसी तरह सिल लेने हैं। ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। इसी तरह दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन सिल देंगे। इस तरह से पीसेस को सिल दिया है। अब इनको इस तरह से सिलना है। इन पीसेस को इस तरह से सिल देंगे। यहां पर सिलाइयां लगा दी है, कॉर्नर से कॉर्नर बराबर आने चाहिए इस तरह से। तो ये पीस बन के रेडी हो गया है। अगर साइडों में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है कपड़ा, तो उसे हमें कट कर लेना है और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। एक पीस रेडी हो गया है। इसी साइज के 3 और पीस बना लेने हैं, तो टोटल हमारे ये 4 पीस हो गए हैं। इसके बाद और 4 पीस बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये कलर लिया है, यहाँ पर एक कलर का भी बना सकते हैं। तो ये 2 पीस लिए हैं, ये भी 2 पीस हैं, सेम साइज के हैं। मेजरमेंट में है 3.5 इंच, और यहाँ से भी 3.5 इंच है, ये भी 3.5 इंच है, और यहाँ से भी 3.5 इंच है। इन पीसेस को इस तरह से रखना है, ये पीस ऐसे रखने हैं, और इसके ऊपर ये व्हाइट कलर के ऐसे लगा देंगे। इस तरह रख लिए हैं। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट, दोनों को ऐसे मिला लेना है, और यहाँ पर जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना रख के लाइन लगा देनी है। इस साइड में भी दोनों पीसेस पे मार्किंग हो गई है। अब ये साइड की जो लाइन है यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, यहाँ पर भी लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और सेंटर की जो लाइन है इसे कट कर लेना है। इसके हमें हाफ ट्रायंगल रेडी करने हैं। अब यहाँ पर इस तरह खोलेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। सारे पीस इसी तरह रेडी कर लेंगे, चाहे हाथ से भी ऐसे कर ले सकते हैं। और इसके बाद ये कॉर्नर्स हैं, इनको कट कर लेना है। इसी तरह सारे पीस रेडी कर लेंगे। ये बन गए 4 हाफ ट्रायंगल। अब इनको ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले हमें ये पीस इस तरह से रखना है, और ये दूसरा पीस ऐसे रखना है, इस तरह से आना चाहिए, और ये दूसरा पीस इस तरह से रखना है, ये इस तरह से आना चाहिए, व्हाइट ऐसे आना चाहिए, और ये इस तरह से। अब इनको इसी तरह सिल देना है। अब देखिए दोनों पीसे सिल दिए हैं, कॉर्नर्स इस तरह से आना चाहिए, तभी हमारे कॉर्नर्स बराबर आएंगे। इसके बाद 2 पीस और लेने हैं कपड़े के। ये रेड कलर के लिए है मैंने, ये है 3 इंच के, यहां से 3 है और यहां से भी 3 है। 3x3 इंच के 2 पीसेस है। इन पीसेस को यहां पर लगाना है, यहाँ पर लगाएंगे और ये यहाँ पर लगाएंगे। इन दोनों को सिल देना है। दोनों पीस सिल दिए हैं। अब ये 3 पीस हो गए हैं। अब इनको सिलना है इस तरह से, ये पीस इसके साथ सिल देंगे और ये पीस इस पीस के साथ सिल देना है। ये पीसेस यहाँ पर सिल दिए हैं, यहाँ पर प्रेस भी कर ली है। इसके बाद अगर कपड़ा थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है, तो इस तरह से जहां पर हमारा बराबर है वहां पर ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है, और जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है इस साइड से भी। ये 1 पीस बन गया है। ये भी हमें 4 पीस बनाने हैं, सेम साइज के 4 पीस बना लिए हैं। अब देखिए ये 4 पीस बन गए हैं, ये 4 पीस बन गए हैं। 1 पीस और लेना है, ये पीस लेना है इसके बराबर, जितना ये बना है यहां से इसके बराबर लेना है। मेजरमेंट में देखेंगे तो 5.5 इंच है, 5.5x5.5 इंच का है। तो ये हमारे बन गए हैं 4 और 4 8, और एक ये 9 पीस बन गए हैं। अब इनको अरेंज करना है। सबसे पहले सेंटर में ये पीस लगेगा, इसके बाद ये पीसीज हैं, ये लगाने हैं चारों साइडों में, तो इस डायरेक्शन में लगेंगे ये इस तरह से। चारों पीस इस तरह से लग गए हैं। अब ये पीसेस लगाने हैं, तो ये कॉर्नर्स इस तरह से आने चाहिए, यहाँ पर इस तरह से लगाने हैं यहाँ पर, कि ये इस तरह से आए हमारे।
सारे पीसे यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं इस तरह से, ये ऐसे आए हैं ये कॉर्नर से कॉर्नर। यहाँ पर अलग कलर देना चाहते हैं तो अलग भी दे सकते हैं। तो अब इनको सेट कर दिया है, अब इनको सिलना है। ये पीस इसके साथ सिलेंगे, इसके बाद ये पीस इसके साथ सिलेंगे, इसी तरह दूसरी लाइन और तीसरी लाइन सिलेंगे। तीनों पीसेस सिल दिए हैं इस तरह से। अब इनको इस पीस के साथ सिलना है, सेंटर वाले पीस के साथ। ये भी इस तरह से सिल देंगे। सिलते टाइम हमें कॉर्नर्स का ध्यान रखना है, ये कॉर्नर बराबर आने चाहिए। सारे पीसेस ज्वाइन कर दिए हैं, डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बना है। ये देखिए कॉर्नर से कॉर्नर मिले हैं, इस तरह यहाँ से मिले हैं। ये तभी मिलेंगे जब हम कटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, और जब सिलते हैं वो सब एक बराबर आना चाहिए, तभी ये कॉर्नर से कॉर्नर बराबर आएंगे। ये पीस बनने के बाद रेडी हुआ है, 19 इंच है, और यहाँ से भी 19 इंच है, 19x19 इंच का ये पीस बना है। अब यहाँ पर इसका कुशन कवर बनाना चाहते हैं, ये हमारा 18x18 का कुशन कवर बन जाएगा। पीछे इसके सिलाइयाँ इस तरह से हैं, तो यहाँ पर आप कोई कपड़ा लगा दे, पुराना कपड़ा भी लगा सकते हैं, चारों ओर सिल दें इसके साथ। ये फ्रंट पीस बन जाएगा, और उसका बैक का पीस रेडी करके इसको हम कुशन कवर बना सकते हैं इस पीस का। इसके बाद देखिए, इसका हमें जैसे टेबल का कवर बनाना है, जब हमें बेडशीट बनानी है, तो इस तरह के हमें बहुत सारे ब्लॉक बना लेने हैं। मान लो हम सिंगल बेडशीट बनाना चाहते हैं, तो ये हमारे 3 पीस लगेंगे, तो हमारा काफी हो जाएगा। तो 3 पीस इस तरह से लगेंगे, और यहां से भी हमारे 4-4 जब 5-5 पीस आ जाएंगे, 5-5 लगेंगे, तो इस तरह के हमारे 15 पीस लगेंगे, 3-3 इस साइड में और 5 इस तरह से। तो 15 पीस बना लेने हैं, और आगे आगे इसी तरह ज्वाइन करना है इसे। तो इस तरह से पूरा डिजाइन हमारी पूरी बेडशीट के ऊपर आ जाएगा। और बनाने के बाद पीछे हमें कोई कपड़ा दे देना है, और साइडों में पट्टी दे देनी है इसकी। तो एक हमारी डोहर बन के रेडी हो जाएगी, जहाँ ओढ़ने के लिए चादर बन जाएगी, जब बिछाने के लिए भी चादर बन जाएगी। कुछ भी आप इसे बना सकते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैंने 3 कलर का कपड़ा लिया है, तो कपड़े का मेजरमेंट कर लेंगे। तो जैसे ये सेम साइज के पीस हैं हमारे, 3 इंच है, यहाँ से भी 3 इंच है, ये भी 3x3 इंच के पीसीस हैं। ये 4 पीस हैं, और ये हमारे रेड कलर के भी 4 पीस हैं। तो इन पीसीस को हमें इस तरह से सेट कर लेना, ऐसे लगा लेंगे। इसके ऊपर ये व्हाइट वाला पीस इस तरह से लगाएंगे। ये पीस इस तरह सेट कर दिए हैं, इसके हमें हाफ ट्रायंगल बनाने हैं। तो यहाँ से इस तरह से लाइन लगा लेंगे, जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना इस तरह से लाइन लगा लेंगे। इस साइड में भी ये मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हमें ये साइड वाली लाइन है, यहाँ सिलाई लगानी है, और इस साइड में सिलाई लगने के बाद ये सेंटर से हमें कट कर लेने हैं सारे पीसेस। कटिंग करने के बाद इन पीसेस को हमें इस तरह से सीधा करना है, और यहाँ पे प्रेस कर लेने हैं। प्रेस कर दी है, प्रेस करने के बाद ये कॉर्नर हमारे इस तरह से निकल आते हैं, इनको हमें कट कर लेना है सारे पीसेस में से। ये बन गए 8 पीस, हाफ ट्रायंगल हमारे 8 पीस बन गए हैं। अब ये पीस हैं 4 रेड कलर के, तो इसी साइज के हैं, सेम साइज के हैं। ये एक है, ये भी सेम साइज का है, इस साइज के बन गए हैं। तो ऐसे मेजरमेंट में लेने हैं, तो ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच, यहाँ से भी ये भी 2.5 इंच के 4 ब्लॉक हैं, और ये एक है। अब ये सारे पीस रेडी हो गए हैं, इनको हमें सेट करना है। ये पीस है, इनको पहले लगाएंगे। जैसे ये सेंटर में लगेगा, ये इस तरह से आएगा हमारा, ये चारों कॉर्नर में ऐसे लगा देंगे। अब ये हाफ ट्रायंगल है, ये इस कॉर्नर में ऐसे लगेगा, इस तरह से ये व्हाइट आएगा, और ये व्हाइट इस तरह से ऐसे इस साइड में आएगा। ये पीस है, ये इस तरह से रेड के इधर और इस तरह से आएगा, और ये पीस ऐसे लगेगा। ये इस तरह से ये कॉर्नर ऐसे बन गया है, ये इस साइड के लिए, ये इस साइड के लिए, इस तरह से बन गया। ये पीस इस तरह से लग गए हैं। अब ये पीस है हाफ ट्रायंगल का, ये हमारा जैसे ये आया है एकदम 2.5 इंच का, इसके बराबर ऐसे रखना है। ये पीस इस तरह से रखेंगे, ये ऐसे बन जाएगा, और ये पीस है इस तरह से, इस तरह से, और ये पीस यहाँ पर आएगा। इसके बाद व्हाइट कलर के ये पीस लेने हैं, ये भी 2.5 इंच के हैं। तो इनको हमें
इस कॉर्नर में लगाना है, चारों कॉर्नर में ऐसे लगा देंगे। इसके बाद ये कॉर्नर ये खाली रह गए हैं, तो जैसे ये मैंने लिया है यहाँ पे चार पीस लिए हैं, ये 5 इंच है यहाँ से और इस साइड से 2.5 इंच है, ये पीस यहाँ पे आएंगे। सारे पीसेस सेट हो गए हैं, अब इनको हमें सिलना है। सिलना कैसे है, जैसे ये चार पीस है हमारे, इनको पहले सिलना है, तो ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलते हैं। ये दोनों सिल दिए हैं, अब इन दोनों को इस तरह सिल देना है। ये इस तरह से सिल दिया है, अब ये पीस सिलने हैं, तो दो पीस इस तरह से सिलेंगे। इसको सिलने के बाद फिर इसके साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस पीस को हमें इस पीस के साथ सिलना है और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। ये साइड वाली लाइन है, ये भी इसी तरह सिलेंगे। साइड के ये पीस सिल दिए हैं, अब ये बीच की लाइन रही है, इसको सिलना है। ये पीस इसके साथ सिलेंगे, इस तरह से पूरे पीस इसी तरह सिल देंगे। सारे पीस इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब ये पीस है, इस पीस के साथ सिलना है, लेकिन ध्यान रखना है ये कॉर्नर बराबर आने चाहिए और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। सारे पीसेस ज्वाइन कर दिए हैं, तो इस तरह से ये डिजाइन बन गया है। इसके बाद जैसे सिलाई करते टाइम ये कपड़ा हमारा इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है चारों से। कटिंग करने के बाद ये पीस हमारा बन के रेडी हुआ है। 10 इंच यहाँ से भी 10 इंच है, 10x10 इंच का ये ब्लॉक बन के रेडी हुआ है। अब जैसे इस डिजाइन से आपको कुशन कवर बनाना है, तो यहाँ पर हम वाइट कपड़े की 2-2 इंच की पट्टी दे देंगे, जिससे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कुशन कवर बन जाएगा। तो इस डिजाइन से मैं बेडशीट का डिजाइन बनाऊंगी, तो इसे और थोड़ा डिजाइन बनाना है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप्स लगाऊंगी मैं, ये स्ट्रिप्स इसके बराबर लगानी है। और ये मैंने चौड़े में दी है 4 इंच चौड़े में है, और इसके बराबर कट कर लेनी है। दोनों साइड में मैंने ये स्ट्रिप्स लगा दी है, 4 इंच है चौड़े में यहाँ से और लंबे में ये है इतनी। तो यहाँ पर एक डिजाइन बनना है हमारा, तो ये 2 स्ट्रिप्स मैंने ली है, ये मेजरमेंट में 2.5 इंच है और यहाँ से 5 इंच है, ये भी सेम साइज की है। तो इन दोनों को इस तरह से यहाँ से सिल लेना है बराबर रख के। ये दोनों पीस मैंने सिल दिए हैं, अब इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से भी कट कर लेंगे। ये बन गए 2 पीस। अब ये इस तरह से ऐसे रखा है, तो ये ऐसे आएगा इस तरह से, और इसको हमें दोनों को सिल देना है यहाँ से। सिलने के बाद ये हमारा इस तरह से बन गया है और इसके बराबर आ गया है। अब ये पीस है, ये हमें इसके साथ सिल देना है और ये पीस इसके साथ सिल देंगे। ये इसके साथ सिल दिया पीस और ये पीस इसके साथ सिल दिया, तो इस तरह से दोनों बराबर हो गए हैं। अब इस पीस को हमें इस पीस के साथ सिल देना है। अब देखिए ये पीस मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, इस तरह से सिल दिया है, तो ये एक क्यूल्ट का ब्लॉक बन गया है। अब ये पीस भी बड़ा हो गया है, 13 इंच हो गया है यहाँ से, और यहाँ से भी 13 इंच है, 13x13 का ये पीस बन गया है। अब जैसे इसकी हमें बेडशीट बनानी है, तो जैसे ये पीस मैंने बना लिया है, इसी तरह के हमें बहुत सारे पीस बना लेने हैं। और जैसे ये पीस मैंने रखा है, इसी तरह का एक पीस और होगा, उसे हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, आगे आगे ज्वाइन करते जाना है, और दूसरी लाइन में भी इस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये डिजाइन बन जाएगा और बीच में हमारा ये डिजाइन भी बनता जाएगा। बहुत ही प्यारी हमारी एक बेडशीट बनके रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, डिजाइन हमारा बनके रेडी है। इस डिजाइन से आप चाहे कुशन कवर बनाए, बेडशीट बनाए, या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, इससे ये होगा कि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।